गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू पैथो क्लास इन विच टुडे वी विल स्टडी अबाउट द न्यू टॉपिक ऑफ गॉल ब्लैडर, दैट इज़ कॉलसिस्टाइटिस। कॉलसिस्टाइटिस गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेटरी गॉल ब्लैडर। और इसकी खासियत दूसरी कोलसिस्टाइटिस की, अगर आप इसकी डेफिनेशन, क्योंकि इन्फ्लामेशन होता है, डेफिनेशन अगर आप इसकी देना चाहें तो आप कहेंगे कोलसिस्टाइटिस इज एन एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉजिंग पेनफुल डिस्टेंशन ऑफ द गॉल ब्लैडर इज यूजुअली एसोसिएटेड विद गॉल स्टोन इम्पैक्टेड इन द सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट में गॉल स्टोन की वजह से गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाता है और पेनफुल डिस्टेंशन हो जाता है, वो डिस्टेंडेड हो जाती है और बहुत ज़्यादा दर्द कॉज करती है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, पेशेंट इज़ यूजुअली हैविंग फोर फैक्टर, फैट, फर्टाइल फीमेल 40 और 50, मतलब फैटी जो कोई फीमेल है जो फर्टाइल स्टेज में है, 40-50 के एज के आसपास की है, उनके अंदर मेनली ये देखने को मिल रहा होता है। तो ये डेफिनेशन, गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है ये नॉर्मल गॉल ब्लैडर देखिए ग्रीन कलर की, जबकि इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर देखो क्यों हो गई, क्योंकि गॉल स्टोन आपको दिखाई दे रहे हैं जिससे म्यूकोसा स्वॉलन हो गई है। हमने कहा ये एक्यूट क्रॉनिक दोनों तरह का होता है, तो एक्यूट बैकल इन्फ्लामेशन गॉल ब्लैडर का होता है जिसमें स्टोन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब मेनली किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। ये कैलकुलस ए कैलकुलस टाइप का हो सकता है, एम्फिसीमेटस कोलसिस्टाइटिस भी हो सकता है। कैलकुलस का मतलब होता है ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव कोलसिस्टाइटिस है जो कि गॉल स्टोन की वजह से हो रही है। लगभग 90% लोग जो हैं वो गॉल स्टोन से सफ़र कर रहे हैं, जबकि ए कैलकुलस ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप की है, क्योंकि इसमें स्टोन नहीं बन रहा बल्कि कुछ और बीमारी, जैसे कोई सीवियर सेप्सिस ब्लड का इन्फेक्शन हो गया होगा, बर्न का पेशेंट, डायबिटीज़, मेलाइटस, डिहाइड्रेशन, पानी कमी की वजह से, या कोई मल्टीपल इंजरी किसी को गॉल ब्लैडर में हो जाती है, तब भी ये कॉमनली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट एक्यूट एम्फिसीमेटस कोलसिस्टाइटिस एम्फिसीमा हो जाता है जिसकी वजह से जीबी इन्फ्लेम्ड हो जाती है। अब हमने कहा कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, तो मेजर जो कैलकुलस कोलसिस्टाइटिस है वो या तो इकोलाई से, स्ट्रेप्टोकोकाई, साल्मोनेला या क्लैप्सिला जैसे और भी कई बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से देखने को मिलता है। टाइफाइड फीवर में भी लगभग दूसरे हफ्ते में टाइफाइड कोलसिस्टाइटिस लोगों में देखने को मिलता है। इसके अलावा क्लॉस्ट्रिडियल इन्फेक्शन जो कि टॉक्सीमिया कॉज करता है, उसकी वजह से भी ये कोलसिस्टाइटिस देखने को मिलता है। नाउ दिस इज़ द पैथोजेनेसिस। देखिए, अगर किसी पर्सन को स्टोन हो जाए तो वो ऑब्वियस है गॉल ब्लैडर में आउटलेट का ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगे और चीज़ें रुक जाएगी, यानी स्टासिस आ जाएगा, बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो कर जाएंगे, बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन होगा और वहाँ उस गॉल ब्लैडर के अंदर उसके टिश्यूज़ का नेक्रोसिस हो जाएगा, मर जाएंगे टिश्यूज़ और वहाँ पर परफोरेशन छेद छेद से हो जाएंगे, या फिर स्टोन की वजह से म्यूकोसल इरोजन हो जाता है, म्यूकस जो है वहाँ की लेयर वो घस जाती है, सेल्स टूट जाती हैं टॉक्सिक बाइल सॉल्ट की वजह से, फिर बैक्टीरिया प्रोलिफरेशन होता है, फिर नेक्रोसिस और परफोरेशन हो जाता है। पैथोलॉजी भाई, इन्फ्लामेशन होता है, परफोरेशन हम बार बार बोल ही रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन अगर स्टोन है तो, और गैंग्रीन यानी सेल डेथ। क्लिनिकल फीचर्स गॉल ब्लैडर के, मैंने कहा फोर इफेक्ट होता है, फैटी, फर्टाइल फीमेल 40 और 50 कॉमनली होता है। इसके अंदर कॉली की पेन होता है जो कि इन्फ्लामेशन की वजह से काफ़ी लंबा खिंच जाता है, पर्सन को नोज़िया, वॉमिटिंग होती है और शुरुआत में हल्का हल्का बुखार होता है। इसके अलावा देखिए पिक्चर को, जिसमें जॉन्डिस बताया गया, येलोनेस दिखाई गई है, फीवर, बुखार चढ़ रहा है, ल्यूकोसाइटोसिस WBC का नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी होता है ना इसमें, नोज़िया, वॉमिटिंग रहने लग जाती है, भूख नहीं लगेगी, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, वो राइट अपर क्वाड्रेंट में हो रहा होता है, राइट शोल्डर में हो रहा होता है पेन, रेडिएट होता हुआ बैक में चला जाता है, और जब कोई पर्सन गहरी सांस लेता है तो उसमें दर्द बढ़ता जाता है।
और भूख नहीं लग रही, फैट का इंटॉलरेंस हो जाएगा पर्सन में, ऐसा लगता है जैसे पेट हर समय भरा हुआ है, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एकदम पेट खराब होगा, दर्द होने लग जाएगा, डिस्टेंडेड हो जाएगा, ऐसी परेशानियाँ होगी। इसके अलावा मर्फी साइंस, बोआ साइन वगैरह दिखाई देंगे। मर्फी साइन में अगर आप राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पर फिंगर रखते हैं, फिंगर रख करके गहरी सांस लीजिए, तो इंस्पायरेशन की हाइट पर एक सडन आपको ब्रीथ का कैच महसूस होगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम हुई हुई है, तो जैसे वो एब्डोमिनल वॉल के कॉन्टैक्ट में आएगी तो आपको एक सडन कैच ब्रीथ का पता चलेगा। इसको अपन मर्फी साइन कहते हैं, तो ये मर्फी साइन पॉजिटिव आया है इसका मतलब। बोआ साइन में हाइपरथीसिया की फीलिंग आ रही होती है 9वें से 11वें रिब के बीच में, पोस्टीरियरली अगर आप देखोगे तो। इसके अलावा रिजिडिटी और गार्डिंग दिखाई देगा आपको अपर एब्डोमिनल वॉल में। गॉल ब्लैडर में आपको वेग मास दिखाई देगा, एग्जिट वगैरह दिखाई देगा। अब आप इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हो, तो परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, क्योंकि मैंने कहा परफोरेशन, और परफोरेशन क्यों हो रहा है, पेप्टिक अल्सर की वजह से, कि पेप्टिक अल्सर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें छेद हो जाएंगे सीधा। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर के पास ही तो होती है स्ट्रक्चर पैनक्रियास, तो उसमें भी इन्फ्लामेशन होता है, उसी के पास में अपेंडिक्स भी होते हैं, तो हाई रेट्रोसीकल अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो सकता है, कि उसका असर लीवर पे पड़े तो अमीबिक लीवर एब्सेस हो जाता है, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से लीवर एब्सेस भी हो जाता है, लीवर में पस पड़ जाता है। लोबर निमोनिया भी देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशन में WBC आपको बड़े हुए मिलेंगे, ब्लड और यूरिन एनालिसिस डायबिटीज़ मेलाइटस का पता लगाने के लिए कर सकते हो। प्लेन एक्सरे के अंदर गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर कैल्सिफिकेशन पता चलेगा आपको। अल्ट्रासोनोग्राफी करवा करके आप देख सकते हैं, तो कैलकुलस ए कैलकुलस कौन सी वाली सिस्टाइटिस हुई वो पता चल जाएगा। ये दिखाया गया रियल पिक्चर GB की, हीडा स्कैन, CT स्कैन, हीडा स्कैन हिपैटिक इम्यून और डाइएस्टिक एसिड के थ्रू अपन कर रहे होते हैं। खाली नाम लिख देना, बाकी ज़्यादा डिटेल में इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्यूट ख़त्म, क्रॉनिक पे आ जाइए। कोल सिस्टैटिक्स के अगर बार बार अटैक आ रहे हो तो उसमें GB जो होती है वो फाइब्रोज्ड हो जाती है, फाइब्रोसिस बन जाए गॉल ब्लैडर में, फाइब्रोज्ड होने की वजह से वो फंक्शन नहीं कर पाएगी, कॉन्टैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी और छोटी हो जाएगी। स्टोन जो होते हैं उसमें अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट रहते हैं। पेशेंट जो कि फैटी फूड खा रहे होते हैं उनमें इंटॉलरेंस हो जाता है, मर्फी साइन पॉजिटिव आते हैं। USG के थ्रू डायग्नोस कर सकते हो। ट्रीटमेंट, कॉल सिस्टेक्टॉमी बाई गॉल ब्लैडर काट के अलग कर दो, बस यही ट्रीटमेंट इसका है और कोई इलाज है ही नहीं। इसके साथ ही आपका ये कोल सिस्टाइटिस नाम का टॉपिक यहीं पे ख़त्म। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।